Good morning, children. In today's class, we are going to discuss a chapter that is pair of linear equations in two variables. ये chapter के बारे में हमें discuss करना है. यहाँ क्या शब्द है? Pair, यानी जिसको हम बोलेंगे जोड़ी of linear equations. Linear equation की pair, मतलब linear equation की जोड़ी in two variables. तो लास्ट ईयर इन 9th क्लास यू ऑल ऑफ यू लर्न अबाउट दिस व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. जनरल फॉर्म क्या होता है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो है उनके ग्राफ को कैसे निकालना है, ये सब जो डिस्कशन है वो आपने क्लास 9th में आपने किया हुआ है. हम उन सभी बातों को एक बार रिकॉल करेंगे, लेकिन हमारा चैप्टर जो है पेयर चाहिए. लीनियर इक्वेशन की क्या चाहिए? पेयर चाहिए. तो हम डायरेक्ट एक एप्लीकेशन से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि किसी लीनियर इक्वेशन की जो टू वेरिएबल्स में है उसकी पेयर हमें कैसे मिलती है. तो हम डायरेक्ट एक एप्लीकेशन लेते हैं, एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है. ठीक है, नाउ सी दिस एप्लीकेशन. फर्स्ट वी रीड इट. अकीला वेंट टू ए फेयर. अकीला एक फेयर में मेला जिसको आप बोलेंगे या जतरा भी बोल सकते हैं, एक अकीला मेले में जाती है. इन हर के जो उसके विलेज में है. सी वांटेड टू एंजॉय राइड्स ऑन द जायंट व्हील. जो जायंट व्हील होता है, जो बहुत बड़ा जो विशाल जो एक व्हील होता है उसके ऊपर वो राइड करना चाहती है. एंड प्ले हुपला. और हुपला ये किस प्रकार का गेम है? आप अगर किसी, बहुत सारे बच्चे आप जैसे मेले में गए होंगे, आपने देखा होगा कि वहां बहुत सारे जो ऐसी बहुत सारी चीजें जो रखी रहती है और आपको हाथ में वो पांच या छह रिंग्स दे देते हैं और हमें ऐसे रिंग उस चीजों पर, उस वस्तुओं पर हमें फेंकना है. अगर वो पूरी रिंग उस चीज को कवर कर लेती है तो वो अपनी हो जाती है. दैट इज कॉल्ड हुपला. तो अकीला जो है क्या करना चाहती है? जॉइंट व्हील पर राइड करना चाहती है और जो बहुत बड़ा विशाल जो व्हील होता है उस पर बैठना चाहती है. एंड प्ले हुपला और हुपला खेलना चाहती है. हुपला का मीनिंग आपको समझ में आया होगा कि आपने भी, बहुत सारे बच्चों ने, आपके शहर में सिटी में कोई मेला लगा है तो आप गए होंगे और वहां हुपला आपने खेल चुके हैं कि जो रिंग अगर हम फेंक देते हैं उस चीज पर तो वो हमारी हो जाएगी. ठीक है, तो द नंबर ऑफ टाइम्स. अब कंडीशन क्या है? अब कंडीशन यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. तो जनरल इंफॉर्मेशन थी कि अकीला के विलेज में एक फेयर में वो गई और वहां वो वांटेड टू एंजॉय राइड्स ऑन जॉइंट व्हील. जॉइंट व्हील पे राइड करना चाहती है और हुपला खेलना चाहती है. ये तो जनरल इंफॉर्मेशन हमारे पास है. अभी हमारा क्वेश्चन जो है यहां से हमें बहुत ध्यान से देखना है. द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला. एक बहुत सिंपल सेंटेंस है. द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स सी हैड ऑन जॉइंट व्हील. यहां से याद रखें, द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला. द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला वो कितनी बार हुपला खेलती है? इज कितनी बार? इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स सी हैड ऑन जॉइंट व्हील. मतलब वो जो विशाल ऐसा व्हील है, उस विशाल व्हील पर वो जितनी बार बैठती है उसके हाफ टाइम्स वो हुपला खेलती है. क्या मीनिंग है इसका? द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला, वो कितनी बार हुपला खेल रही है? इज है हाफ. किसके हाफ है? द नंबर ऑफ राइड्स सी हैड ऑन जॉइंट व्हील. वो जॉइंट व्हील पर जितनी बार बैठती है उसके हाफ टाइम्स वो क्या खेलती है? हुपला खेलती है. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. क्योंकि जब आपको पेयर चाहिए लीनियर इक्वेशन की, हमें क्या चाहिए? पेयर चाहिए. तो पेयर चाहिए तो हमें दो इक्वेशन मिलने चाहिए. तो ये पहली कंडीशन है. अब दूसरी कंडीशन क्या है वो देखिए. ईच राइट कॉस्ट रुपीज 3. प्रत्येक राइड के लिए उसको कितने रुपए देने हैं? 3 रुपए देने हैं. प्रत्येक राइड के लिए 3 रुपए देने. एंड गेम ऑफ हुपला कॉस्ट रुपीज
प्रत्येक बार 4 रुपए यानी 4 रुपीज देने, मतलब एक बार जॉइंट व्हील पर बैठने के लिए 3 रुपए देने हैं और एक बार हुक्ला खेलने के लिए 4 रुपीज देने हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ राइड्स सी हैड एंड हाउ मेनी टाइम्स सी प्लेड हुक्ला, तो कितनी बार वो जॉइंट व्हील पर बैठी और कितनी बार उसने हुक्ला खेला, ये आपको निकालना है। आपको दिया हुआ है प्रोवाइडेड सी स्पेंड रुपीज 20, वो जो जॉइंट व्हील पर बैठने के लिए और हुक्ला खेलने के लिए अकेला में टोटल कितने रुपए खर्च किए हैं, 20 रुपीज खर्च किए हैं। तो शायद मीनिंग को समझ में आया है कि हमें इसमें दिया क्या है, अभी करना क्या है वो भी बहुत जरूरी है। कि जो सेंटेंस है द नंबर लेट या तो हम जैसे बोलेंगे कि वो जितनी बार राइड की उसके आधे टाइम्स वो हुक्ला खेली है, तो हम ऐसा करेंगे लेट द नंबर ऑफ राइड्स सी हैड ऑन जॉइंट विल बी एक्स। तो यहीं से शुरुआत करेंगे कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइड्स सी हैड ऑन जॉइंट विल, लेट द नंबर ऑफ राइड्स अकेला हैड और जॉइंट व्हील बी एक्स एंड द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुक्ला बी वाई। यहां से शुरुआत करें कि अकेला एक्स बार इतने टाइम्स एक्स इतने टाइम्स जॉइंट व्हील पर राइड की है और वाई इतने टाइम्स वो क्या खेली है, हुक्ला खेली है। अब पहली कंडीशन तो बहुत सिंपल है कि वो कितनी फर्स्ट कंडीशन है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है कि वो कितनी बार हुक्ला खेली, जितनी बार वो जॉइंट व्हील पे राइड किया है उसके आधा टाइम्स जो है आधा बार वो हुक्ला खेली है। अब उसने एक्स बार राइड की है जॉइंट व्हील पर, उसका हाफ यानी मान लो 10 बार वो हुक्ला जॉइंट व्हील पर राइड की है तो उसका हाफ यानी 5 टाइम्स वो हुक्ला खेली। तो एक्स बार जो है एक्स के टाइम्स राइट की है जॉइंट व्हील पर, तो उसका हाफ टाइम्स मतलब आधा बार वो क्या के लिए है, हुक्ला के लिए है। सो हुक्ला कितनी बार के लिए है, जितनी बार राइट किया उसका आधा यानी उतनी बार हुक्ला के लिए है। सो y इज इक्वल टू हाफ ऑफ x, ये पहली कंडीशन। अब इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिकली तो फॉर्म में लेके आएंगे तो ये टू यहां मल्टीप्लाई में ले जाएगा, सो 2y इज इक्वल 1x and x, 2y को लेके जाएंगे इस साइड में, so therefore x minus 2y equal to 0, ये है हमारा एक इक्वेशन, x minus 2y is equal to 0, तो एक इक्वेशन बन गया। अब दूसरा इक्वेशन हम कोशिश करेंगे कि each राइड कॉस्ट रुपीज 3, प्रत्येक राइड के लिए कितने रुपए का खर्च आया है, 3 रुपए का। अगर मान लो वो 10 बार राइड करती है तो प्रत्येक के लिए 3, तो 10 बार बैठने के लिए 10 × 3 यानी 30 रुपीज आएगा। अब यहाँ राइड कितनी बार की है, x बार की है, एक बार राइड करने के लिए 3 रुपए खर्च आता है, तो x इतने टाइम्स राइड करने के लिए कितना खर्च होगा, 3 × x यानी 3x रुपीज खर्चा होगा। तो राइड करने के लिए खर्चा कितना है, 3x रुपीज है। एक बार हुक्ला खेलने के लिए एंड नंबर एंड गेम ऑफ हुक्ला कॉस्ट रुपीज 4, एक बार हुक्ला खेलने के लिए 4 रुपीज खर्च आता है, मतलब 4 रुपीज देने पड़ते हैं। वो कितनी बार हुक्ला खेली है, y इतनी बार हुक्ला खेली है, तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, दोनों का प्रोडक्ट होगा। जैसे अगर 3 बार हुक्ला खेली है तो 4 × 3 12 रुपीज देने पड़ेंगे, तो y इतने बार हुक्ला खेली है तो 4 × y 4y रुपीज देने पड़ेंगे। राइड करने के लिए खर्च आया 3x रुपीज,
कितना खेलने के लिए खर्च आया, 4 रुपीज, और टोटल खर्च उसने कितने किया, 20 रुपीज। तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन क्या है, सो अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन राइट करने के लिए खर्च आया 3x रुपीज प्लस पुतला खेलने के लिए खर्च आया टोटल एक्सपेंड किया 4y रुपीज, और टोटल जो स्पेंड किया है अखिला ने टोटल है 20 रुपीज। तो दिस इज सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन तो बहुत आसान था। इस प्रकार हम ये दो इक्वेशन जो है यहां हमने फॉर्म किए हैं। ये दो इक्वेशन हमने यहां, ये जो हमें एक एप्लीकेशन हम बोले थे कि जानकारी दी थी अखिला के बारे में, उस पर से हमने ये दो इक्वेशन जो है फॉर्म किए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको यहां से निकाल लेंगे, क्योंकि इसका मीनिंग तो आपको समझ में आया है कि x क्या है, y क्या है, हमने जो इक्वेशन जो हमने फॉर्म किए थे हम उसके बारे में थोड़ा यहां डिस्कस करेंगे। तो पहला इक्वेशन क्या है, x-2y = 0, दिस इज वन। और दूसरा इक्वेशन क्या है, 3x + 4y = 20, दिस इज सेकंड। तो ये जो दो इक्वेशन है एक साथ हमने लिखे है, मतलब हमने पेयर लिखी है। ये क्या है, पेयर है, x-2y = 0 और 3x + 4y = 20। अब ये क्या बन गई, पेयर बन गई। तो इसी प्रकार के पेयर को हम क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये बोलेंगे। तो इस प्रकार की पेयर हमें किसी एप्लीकेशन पर से मिलेगी। और फिर इस चैप्टर में हमें करना क्या है, तो इस चैप्टर में हमें वो कितनी बार होपला खेली और कितनी बार राइड हुई, अब कितनी बार राइड हुई, एक्स बार, और राइड मतलब जॉइंट व्हील पर बैठी है एक्स बार, और कितनी बार होपला खेली है वाई, इतने टाइम होपला खेले, तो ये एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। फिर इस पेयर को हमें सॉल्व करना है डिफरेंट मेथड से, और यही इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि हमें एप्लीकेशन देखने हैं, और एप्लीकेशंस पर जो पेयर हमें मिलेगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल, तो इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ एक्स और वाई दो वेरिएबल्स है। तो ये जो है पेयर है, इस पेयर को हमें सॉल्व करना है डिफरेंट मेथड्स का यूज करके, यही इस चैप्टर में हमें देखना है। अभी हम पहले एक लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सो ऑल ऑफ यू नो दैट इन 9th क्लास ऑल ऑफ यू लर्न अबाउट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, द जनरल फॉर्म, द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज, क्या होता है, ax + by + c = 0। ये क्योंकि एक्स और वाई ये दो वेरिएबल्स है, ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ वाई, सी इज कांस्टेंट, मतलब दो वेरिएबल है, और आप जानते हैं कि ये लीनियर क्यों है, क्योंकि ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है, मतलब इसमें जो भी वेरिएबल्स आ रहे हैं उन वेरिएबल का जो पावर है दैट इज 1, यहां पावर 1 है, यहां पावर 1, मतलब जितनी भी टर्म्स उसमें रहेगी और जितने भी वेरिएबल्स रहेंगे उन वेरिएबल का हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो ये जो है, एक तो हाईएस्ट पावर यहां x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, मतलब हाईएस्ट पावर तो वेरिएबल का 1 ही है, और एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y, मतलब इसमें दो वेरिएबल्स भी है। तो ये हो गया, एक लीनियर तो हो गया क्योंकि डिग्री 1 इक्वेशन है, इसकी डिग्री 1 है और दो वेरिएबल है, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये जनरल फॉर्म हम यहां लिख सकते हैं, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, वाई का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, या सी क्या होना चाहिए, ये
कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन बट ए और बी ये जो है जीरो नहीं होने चाहिए. ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो. आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं. ये क्या मीनिंग है इसका? क्योंकि ए और बी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी रियल नंबर है तो जीरो रियल नंबर है. तो अगर एक्स का कोएफिशिएंट भी जीरो है, वाई का कोएफिशिएंट भी जीरो है, तो सी इक्वल टू जीरो हो जाएगा और कांस्टेंट इक्वल टू जीरो, तो मीनिंगलेस हो जाएगा, कोई अर्थ नहीं रहेगा. अगर इन ए और बी में से कोई एक जीरो हो जाएगा तो रिड्यूस टू वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन हो जाएगा. तो इसीलिए जीरो छोड़ के एक्स और वाई का कोएफिशिएंट जीरो छोड़ के कोई भी रियल नंबर हो सकता है. और लीनियर इक्वेशन फिर उसके एग्जांपल्स अगर हम देखते हैं तो एग्जांपल्स हम बहुत सारे लिख सकते हैं, जैसे कि 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, 3x माइनस y माइनस 7 इक्वल टू 0, या आप इस प्रकार भी लिखो x इक्वल टू 2. ये भी लीनियर इक्वेशन है, आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, x प्लस 0 y इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ y नहीं है, लेकिन आप इसको 0 y इस प्रकार लिख सकते हैं, x प्लस 0 y इक्वल टू 2. और अगर आपको x का कोएफिशिएंट चाहिए कुछ भी ले लो, 1 बाई 2x माइनस रूट 3y, y का कोएफिशिएंट आपने कोई भी रियल नंबर ले लिया, इक्वल टू माइनस 12. सो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं. अब इसमें और एक बात है जो आपने 9th क्लास में जो है डिस्कस की है, कि किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करना मतलब क्या करना है. उसमें जो वेरिएबल्स है x और y, उनकी वैल्यूज हमें निकालनी है. जैसे कि हम एक कंसीडर करेंगे एग्जांपल, कंसीडर एक एग्जांपल, एक एग्जांपल को कंसीडर करते हैं, 2x plus 3y equal to 5. इस एग्जांपल को हमने कंसीडर कर लिया. अब हम पुट करेंगे, पुट x is equal to 1 and y is equal to 1. x की जगह 1 और y की जगह 1 पुट करते हैं, so 2 into 1 plus 3 into 1 equal to, क्या होता है देखिए, ये तो 5 है, 2 into 1 2, 3 into 1 3 equal to 5, so 5 is equal to 5, मतलब both LHS और ये जो क्या है RHS, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कैसे आई है, इक्वल आ गई. इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन है x equal to 1 और y equal to 1 इस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होता है. फॉर x equal to 1 एंड y equal to 1, फॉर दिस वैल्यूज दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड. इक्वेशन सेटिस्फाई होने का मतलब क्या है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती है. सो वी कैन से दैट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, दैट इज 1 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. ये 1 1 इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है. 1 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. फिर अगर आप यहां इस इक्वेशन में पुट करेंगे, सपोज इट 2x + 3y इक्वल टू 5, अगर आप यहां पुट करते हैं x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 7, पुट करके देखेंगे तो इसका LHS देखेंगे क्या होता है, LHS और RHS सेम आना चाहिए. सो 2x + 3y, सो 2 into 1 plus 3 into 7, 2 into 1 2, 3 into 7 21, so ये 23 आता है. इज इक्वल टू RHS से क्या नहीं है, इट इज नॉट इक्वल टू RHS, क्योंकि RHS में 5 है. तो यहाँ x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 7 रखने के बाद आपको RHS राइट हैंड साइड मिल रही है क्या, नहीं मिल रही है. इसका मतलब क्या है कि ये जो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 7 जो है इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन. इस दिए हुए इक्वेशन का ये सॉल्यूशन नहीं है. 1 1 सॉल्यूशन है, यहां हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 1 1 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन. मींस लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन में जब हम जब भी इक्वेशन की बात करेंगे तो लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे, क्योंकि
क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। तो ये दिए हुए इक्वेशन का मतलब क्या है, सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ मतलब रखने से LHS और RHS इक्वल है, लेकिन 1.7 इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये इक्वेशन x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 7 के लिए सेटिस्फाइड नहीं होता। तो अब इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे, तो इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है, जब हमने बोल दिया ज्योमेट्रिक मीनिंग, ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है कि जब हमने बोल दिया कि 1.1 इज द सॉल्यूशन ऑफ 2x + 3y = 5, इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इसका मतलब है कि पॉइंट, ये जो पॉइंट है पॉइंट 1.1 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ, और लाइज ऑन द लाइन, जो हम ये भी बोल सकते हैं लाइन ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग इक्वेशन 2x + 3y = 5। 9th क्लास में, 9th क्लास में आप सभी बच्चे पढ़ चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को अगर हम इसका ग्राफ निकालेंगे, इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इसका नाम ही है लीनियर इक्वेशन, लीनियर इन ए लाइन, वी कैन से दैट लीनियर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, इसके सभी सॉल्यूशन जो है एक ही लाइन पर रहेंगे, मतलब एक ही सभी पॉइंट्स जो है एक ही लाइन पर रहेंगे, मतलब सभी पॉइंट में से जाने वाली, सभी पॉइंट्स तो सभी सॉल्यूशन में से जाने वाली एक ही लाइन रहेगी। तो अगर ज्योमेट्रिकली इसको अगर हमें देखना है कि 1.1 हमने तो बोल दिया कि 2x + 3y = 5, इस इक्वेशन का 1.1 क्या है, सॉल्यूशन है, लेकिन ज्योमेट्रिकली अगर हमें देखना है तो जब हम 2x + 3y = 5 इस इक्वेशन की इसका ग्राफ निकालेंगे, ग्राफ इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, दैट ऑल ऑफ यू नो, आप सभी को पता है कि इसका जो ग्राफ है वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ही होगा, तो ये 1.1 उस स्ट्रेट लाइन पर होगा, ये पॉइंट जो है 1.1 उस स्ट्रेट लाइन पर होगा। अब सवाल ये है कि एक स्ट्रेट लाइन पर कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, लाइज ऑन ए स्ट्रेट लाइन, इसी स्ट्रेट लाइन पर बहुत सारे पॉइंट्स होते हुए, सो एवरी पॉइंट representing this every point on the line, which line representing this equation, उस line पर का प्रत्येक point, उस line पर का प्रत्येक point, मतलब जो line इस equation को represent करती है, solution होता है, इस equation का क्या है, solution है, तो every point on the line, उस line का प्रत्येक point, इस equation का क्या है, solution है, और इस इक्वेशन का प्रत्येक सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का प्रत्येक सॉल्यूशन मतलब पॉइंट जो भी हमें मिलेगा उस लाइन पर होता है, दिस इज द ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ दिस ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो अभी हमने देखा था कि अकेला के एग्जांपल में हमने देखा कि हमें दो जो है लीनियर इक्वेशन उस एप्लीकेशन पर मिलते हैं, दो इक्वेशन हमें एप्लीकेशन पर से उस लिए थे, अगर हमें किसी लीनियर इक्वेशन का पेयर का जनरल फॉर्म लिखना है, जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वो तो है टू वेरिएबल्स, तो अगर हमें जनरल फॉर्म लिखना है तो हमें इस प्रकार लिखना पड़ेगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द जनरल फॉर्म, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है, तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल।
क्या है ये लीनियर इक्वेशन से टू वेरिएबल जो पेयर है उसका जनरल फॉर्म है। A1 B1 C1 या A2 B2 C2 आर रियल नंबर्स। A1 B1 C1 A2 B2 C2 आर रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स है और A1 B1 जीरो नहीं होना चाहिए, A2 B2 भी जीरो नहीं होना चाहिए। A1 इज नॉट इक्वल टू जीरो, B1 इज नॉट इक्वल टू जीरो, A2 इज नॉट इक्वल टू जीरो, B2 इज नॉट इक्वल टू जीरो। आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो। आप इसको इस प्रकार भी ले सकते हैं। तो जनरल फॉर्म लिखते आना चाहिए सभी को, सभी को पता होना चाहिए कि पेयर का जनरल फॉर्म हम कैसे लिखेंगे। a1x + b1y + c1 = 0, मतलब x का कोएफिशिएंट a1 है, y का कोएफिशिएंट b1 है, c1 का कांस्टेंट है इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन हो गया। फिर a2x + b2y + c2 = 0, x का कोएफिशिएंट a2 है, y का कोएफिशिएंट b2 है और c2 कांस्टेंट है। ये दूसरा इक्वेशन हो गया और यहां मिला के ये दोनों मिला के क्या हो गई पेयर बन गई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से टू वेरिएबल। अब कुछ एग्जांपल्स जो है इस फॉर्म में भी पेयर हो सकती है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि वो इस फॉर्म में भी हो सकती है। a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2, इस प्रकार भी हो सकती है। मतलब जैसे कि मैं अगर कुछ एग्जांपल्स लिखूं तो इक्वेशन इस फॉर्म में भी हो सकते हैं, प्लस 7 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0। ये पेयर हो गई, पेयर ऐसे भी हो सकती है जैसे कि ये फॉर्म हमने यहाँ दिया हुआ है। या जैसे कि और एक एग्जांपल लिखता हूँ, 3x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10, 4x प्लस 3y इक्वल टू 11, मतलब इस फॉर्म में भी हो सकती है। तो ये जो है जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ये है। तो आपको ये बातें जो है ध्यान में रखनी चाहिए। अब मान लीजिए कि हमें ये पता है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में है, जब हम उसका ग्राफ निकालते हैं इट इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। फिर अगर हम पेयर का ग्राफ निकालें, अगर किसी पेयर का हमने ग्राफ निकाला तो क्या होगा, तो पेयर में तो दो इक्वेशन होते हैं, है ना, पेयर में दो इक्वेशन होते हैं, फिर हमें दो स्ट्रेट लाइन मिलेगी एक ही ग्राफ के ऊपर, पर दो स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अगर हम पेयर का ग्राफ निकालें, इफ वी ड्रा ए ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो क्या मिलेगा, जरा क्या मिलेगा, वी गेट टू स्ट्रेट लाइंस, वी गेट टू स्ट्रेट लाइंस, हमें दो स्ट्रेट लाइंस मिलेगी। फिर एक ही ग्राफ पेपर पर हमें अगर दो स्ट्रेट लाइंस अगर मिलती है तो वो कितनी पॉसिबिलिटी उसमें होगी, थ्री पॉसिबिलिटीज होगी। देयरफॉर देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज, थ्री पॉसिबिलिटीज होगी। एक तो क्या हो सकती है कि हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेगी, क्या मिलेगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या मिल सकती है कि पहली इक्वेशन का ग्राफ और दूसरी इक्वेशन का ग्राफ इस प्रकार हो कि दोनों लाइन क्या करे, इंटरसेक्ट हो जाए, या फिर हमें मिलेगी पैरेलल लाइंस, या हो सकती है कि दो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं हो और वो पैरेलल हो, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, हाउ फार दे एक्सटेंडेड, चाहे उसको कितना भी बड़ा वो एक्सटेंड हो
पॉसिबिलिटी हो सकती है कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब एक ही लाइन जो है उसके ऊपर हमें दूसरी लाइन जो है वो नहीं है, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। एक तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे या तो पैरेलल लाइंस होगी या तो कोइंसिडेंट लाइंस होगी, मतलब ये थ्री पॉसिबिलिटीज है, एक साथ तो ठीक नहीं मिलेगी ना। आउट ऑफ दिस थ्री पॉसिबिलिटीज, इन तीन पॉसिबिलिटीज में से कोई एक प्रकार का ग्राफ हमें पेयर का मिलेगा। अगर आप पेयर का ग्राफ निकालते हैं तो डेफिनेटली दो स्ट्रेट लाइंस होगी, तो इन तीन में से एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो, या तो वो एक दूसरे को पैरेलल हो, या तो वो एक दूसरे पर कोइंसाइड हो, मतलब एक ही लाइन होगी दोनों मिलाकर, कोइंसिडेंट लाइंस होगी या तो पैरेलल लाइंस होगी या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब दो अगर उस पेयर का ग्राफ हमें दो इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलता है, इसका मतलब है कि ये जो टू इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इस टू इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब यह है कि यहां एक पॉइंट ऐसा है जो ये दोनों लाइन को लाइन पर कॉमन है। सो दिस पॉइंट इज कॉमन टू बोथ द लाइंस, व्हेन दिस सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग दिस लाइन, आल्सो द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग दिस लाइन आल्सो, मींस दिस इज सॉल्यूशन इज कॉमन फॉर, दिस सॉल्यूशन इज कॉमन फॉर बोथ द इक्वेशन, दोनों इक्वेशन के लिए ये सॉल्यूशन कॉमन है। मतलब इफ वी गेट द इंटरसेक्टिंग लाइंस देन वी गेट द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द पेयर, गिवन पेयर, दिए हुए पेयर को हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अगर दो लाइंस पैरेलल मिलती है, अगर दो लाइंस पैरेलल मिलते हैं, हमने पेयर का ग्राफ निकाला और वो ग्राफ इस प्रकार आया कि दोनों लाइंस पैरेलल आती है, इसका मतलब ये दो लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट होगी नहीं, इसका मतलब है कि कोई भी पॉइंट इनमें कॉमन होगा ही नहीं। सो देयर इज नो कॉमन सॉल्यूशन फॉर दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उस पेयर के लिए कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। इस केस में नो कॉमन सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर, इस केस में कॉमन है ना यूनिक सॉल्यूशन होगा उस पेयर के लिए, यहां कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा, नो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। और अगर हमें कोइंसिडेंट लाइंस मिलती है, कोइंसिडेंट लाइंस मिलती है, इसका मतलब है कि जो सॉल्यूशन इस लाइन को रिप्रेजेंट करने वाली इक्वेशन के है, वही सॉल्यूशन इस लाइन को रिप्रेजेंट करने वाले इक्वेशन के भी है। इसका मतलब है द गिवन पेयर हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, क्योंकि इसमें तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस रहेंगे, मतलब दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन कॉमन है, मतलब उस पेयर को इनफाइनाइट सॉल्यूशंस रहेंगे अगर इस प्रकार का ग्राफ बनता है। इफ वी गेट कोइंसिडेंट लाइंस देन वी से दैट द गिवन पेयर हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इफ वी गेट द इंटरसेक्टिंग लाइंस देन वी से दैट द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन, एंड इफ वी गेट पैरेलल लाइंस then we say that given pair of linear equation has no solution, means no common solution. तो आज के लिए यही बातें आपको ध्यान रखनी है कि general form क्या होता है, geometric meaning क्या होती है, solution का geometric meaning क्या होता है, और अगर pair का अगर हम graph निकालेंगे तो तीन possibilities में से कोई भी एक प्रकार का graph हमें मिलेगा उसका मीनिंग क्या होता है। तो आज के पीरियड में यह बातें हमने देखी, नेक्स्ट पीरियड में हम ग्राफ के बारे में और डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।